स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आप जो भी एक्सेल में टेबल बनाते हो, कोई भी फाइल एक्सेल में क्रिएट करते हो, उसको हम सीडीआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप एक्सेल की फाइल को CorelDraw में कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, तब भी आप इसे प्रॉपरली समझ पाएंगे। आप वीडियो को स्किप ना करें। कई सारे ऑनलाइन टूल्स हैं और OCR सर्विसेज जो आपको एक्सेल टू CDR फाइल कन्वर्ट करके प्रोवाइड कराते हैं, बट उनका जो 100% रिजल्ट होता है वो आपको परफेक्टली नहीं मिलेगा। कई बार रो और कॉलम्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं, टेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है वो ही डिलीट हो जाता है, या फिर कोई टेक्स्ट में अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आती है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो हम बात करेंगे ईजिली और स्टेप बाई स्टेप आप कैसे एक्सेल की फाइल को CorelDraw में इम्पोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा एक्सेल की तरफ, ठीक है। ये एक 50 पेज यानी कि 50 नाम की नेम लिस्ट है जो टेबल फॉर्मेट में है, और अगर इसे आप A4 पेपर पर निकालते हैं तो इजीली आप निकाल सकते हैं। बट जब अगर हमें कोई लार्ज प्रिंटिंग करनी हो इसकी, अगर हमें कोई फ्लैक्स बैनर बनाना हो, तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स आती है। उसके लिए आपको CDR फाइल चाहिए होगी। तो उसको हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है, जो भी एडिटिंग करनी है, आप इसको यहीं कर लें। जैसे कि अगर आपको उसका कॉलम हो या फिर कोई भी सेल को कम या ज़्यादा करना है और अलाइनमेंट करना है, अगर देखिए ये जो सेंटर अलाइनमेंट है, कोरल में भी इसे आप कर सकते हैं, अगर आप यहाँ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी हम यहाँ नहीं करते, हम वहीं सीखेंगे कि कैसे आप उसको वहाँ भी एडिट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसको आप एक ही बार में कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो प्रॉब्लम्स आती है, वो नीचे वाले टेक्स्ट में आती हैं। तो यहाँ आपको करना है इसको इतना सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट आप इस तरीके से करेंगे माउस का बटन दबाए दबाए, और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आप जब इसको CorelDraw में पेस्ट कर लोगे तो इसके बीच में जो है लाइंस नहीं आएंगी। अगर आप वो मैनुअली लाइन बनाते हो तो काफ़ी टाइम खर्च होगा। हम टेबल को इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो समय बर्बाद ना हो, हमें कोरल को मतलब जो इसमें टाइपिंग है, जो टेक्स्ट, उसको दोबारा से टाइप ना करना पड़े। तो हम यहाँ जाएंगे, जो आप देख रहे हैं बॉर्डर, बॉर्डर पर करेंगे क्लिक, और यहाँ हमें करना है ऑल बॉर्डर। जब आप ऑल बॉर्डर कर देंगे तो इनके बीच में जो स्पेसिफिक जो लाइंस हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। अब हमें यहाँ करना है इसे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे CorelDraw में, और मैं यहाँ न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ पेज डाउन से, और इसका जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम करते हैं, देखिए मैं कंट्रोल वी करता हूँ। सिंपली जब आप कंट्रोल वी करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में आ जाता है, मगर यहाँ एक कंडीशन है कि आप इसको सिर्फ प्रिंट कर सकते हो, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको किसी लाइन का कलर चेंज करना है या फिर इसमें कोई भी नाम कोई चेंजेस करना है तो वो आप यहाँ नहीं कर सकते। तो ये हमारे मतलब का नहीं है, हम इसे कर देते हैं डिलीट। अब आपको क्या करना है, आप एडिट में जाएंगे और पेस्ट स्पेशल। यहाँ आप अगर दो ऑप्शन है जैसे मैंने आपको बताया, पेस्ट और पेस्ट लिंक। अगर आप पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको मतलब मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आपको बिल्कुल श्योर पिक्चर मेटा फाइल पे ही क्लिक करना है, ठीक है। पिक्चर मेटा फाइल पे क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ आप एक प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए यहाँ जो बेसिकली प्रॉब्लम आती है लोगों को वो यही आती है कि देखिए सीरियल नंबर वो अपने जगह पर नहीं है, नेम अपनी जगह पर नहीं है, जो भी इसके रो कॉलम्स हैं वो अपनी जगह पर नहीं है। यही हमें ये मतलब ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करता, ठीक है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसे आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिए आप कंट्रोल वी कर रहे हैं सिंपली तो वो अच्छे अलाइनमेंट में आ रहा है, बट जब आप एडिट में जाकर पेस्ट स्पेशल और पिक्चर मेटा फाइल कर रहे हैं तो उसका जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ा हुआ आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको सिंपली एक न्यू पेज क्रिएट करना है। कंट्रोल एन दबाएंगे और ओके, आप कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी पेज का नाम दे दीजिए, आपको सिर्फ एक कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज लेना है। अब आप देखिए आपने कॉपी तो वहाँ से किया हुआ है, अगर आप फाइल में देखेंगे तो सिलेक्शन में ये कॉपी पहले से है, ठीक है। अब आपको एडिट में आना है, पेस्ट स्पेशल, पिक्चर मेटा फाइल और ओके। देखिए तो वो फ्रेंड्स एक छोटी सी ट्रिक से वो सिंपल इजीली अच्छे फॉर्मेट में आ गया। अदरवाइज़ आप कितनी बार भी पेस्ट करते वो आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती। अब अगला जो मेथड है वो आपने सबसे पहले तो ये देखा कि इसको मुझे कॉपी और पेस्ट कैसे करना है, ठीक है। अब आपने ये जान लिया इसको कॉपी पेस्ट कैसे करना है। इसका एक एडवांटेज ये है कि जब आप इस पर क्लिक कर और अनग्रुप ऑल कर दोगे तो इसका जो टेक्स्ट है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एडिटेबल मिलता है। आप इसके सभी की फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, इसको कोई भी फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हो। तो अगला जो कंटेंट है, जैसे कि हमने पहले ये जाना कि इसको आपको कैसे करना है, कॉपी पेस्ट कर लिया, अब हम जानते हैं आप टेक्स्ट को कैसे, इसका जो पैराग्राफ है वो कैसे आप हाईलाइट कर सकते हो। इसमें जो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इसमें जो लाइन्स हैं आप ये देख रहे हैं, ये लाइन सबसे पहले ज़रूरी मैं आपको ये बता देता हूँ, इसका अगर आपको
कलर चेंज करना है तो ये आउटलाइन नहीं है, यानी कि ये लाइन नहीं है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में ही आती है। अगर आप इसको आउटलाइन ऐसे जो माउस का ऑप्शन बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आप देख सकते हैं ये उसके ऊपर आउटलाइन बनेगी। इट्स मीन ये जो लाइन है वो रेक्टेंगल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है, या फिर आप ये जो टेक्स्ट है इसको अलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि जो एक्सेल होता है उसमें बिल्कुल लाइन से देखिए ये जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सटा हुआ आ रहा है, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। आप ऐसे आइए टेक्स्ट को ऐसे करके और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इतना ठीक है। इतना करने के बाद आपको इसमें से ये नेम को अनसेलेक्ट करना पड़ेगा और ये जो लाइन है इसको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर भी एक जो हिडन लाइन बन जाती है उसको भी आपको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट है तो आप इसको देख सकते हैं, ऐसे आप इसको मूव करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो जो है लंबी ना हो इसलिए मैं सभी को करके नहीं बता रहा, आप अपने आप कर लीजिएगा। अब आता है इसको हाईलाइट करने, यानी कि जो आपका जो फुटर है जो हेडर है इसको आपको हाईलाइट करना है। तो आप जैसे कि रेक्टेंगल है आप इस पर पहले क्लिक करेंगे और इसको ऐसे करके ड्रैग कर देंगे तो वो कलर बन जाएगा। उसको आपको शिफ्ट पेज डाउन कर देना है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब जो अगली चीज़ है वो इसकी थिकनेस, जैसे कि ये जो लाइन है आप लाइन को अगर आपको मोटा करना है या इसकी जो थिकनेस बढ़ानी है वो कैसे बढ़ाएंगे आप, इस पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और आप जानते हैं कि लाइन एक बार में कैसे सिलेक्ट होगी, आपको ऑल्ट दबाना है और आपको ड्रैग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये 1, 2, 4 लाइन ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ऑल्ट दबाऊंगा और ऐसे करके करूँगा तो वो 4 लाइन सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको सिंपली करना क्या है, जैसे इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 0.014, यानी कि इसको आप अगर 2 कर देते हैं तो देखेंगे उसकी थिकनेस जो है बड़ी बोल्ड हो गया वो, ठीक है। अगर आप इसको 5 कर देते हैं तो और ज़्यादा बोल्ड हो जाएगी। तो अगर आपको किसी लाइन को ज़्यादा बोल्ड करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और मैं आपको दूसरा जो बताने वाला था, ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको कलर चेंज करने की। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट का जो कलर चेंज कर लेते हैं तो हम जाएंगे एडिट में, और एडिट में जाने के बाद सेलेक्ट ऑल में टेक्स्ट, सारा को जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और आपको करना है कंट्रोल जी, इसको ग्रुप कर लेना है और आप जो भी कलर देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल ब्लू, ठीक है, आप इसको इजीली ब्लू कलर दे सकते हो। अब जो लाइंस हैं आपको इसे रेड कलर देना है। तो अब देखिए अगर मैं इसको पहले जो टेक्स्ट को अगर मैं ग्रुप नहीं करता और आप सेलेक्ट ऑल पर जाके अगर ऑब्जेक्ट्स करते तो ये सारी चीज़ें जो है सारे जो ऑब्जेक्ट्स एक ही साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आपको जाना है ऑब्जेक्ट्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, बट आपको शिफ्ट को दबा के किसी भी टेक्स्ट को अनसेलेक्ट करना है। तो इट्स मीन इसका जो क्या है ये जो सारी जो लाइंस हैं वही सिलेक्ट होंगी। अब आप उसको कलर कर दीजिए रेड, ठीक है। अब आपने ये देखा ये रेड कलर हो गया, अब आप इसको कंट्रोल दबा के इसको अपने जैसा कलर दे सकते हो, सॉरी मतलब इसको आप जो अनग्रुप करोगे इसको पर्टिकुलर इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब आपको एक जो मेजर प्रॉब्लम है इसमें वो फेस करनी पड़ती है, जैसे मैं इसको टेक्स्ट को भी इसको रेड कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब आप इसमें जूम करेंगे तो ये ब्लैक लाइन इसके साथ है और ये लगभग सभी में है। तो यहाँ आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। इसको अगर आप हटाएंगे तो बहुत सारी लाइन्स हैं, इसको आप कैसे हटा सकते हैं, देखिए जब जूम आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं वो ब्लैकनेस। तो फ्रेंड्स इसको हटाने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको कैंसिल करके आप किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे देखिए जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ देखिए इसका जो कलर है वो रेड है और जो उसकी जो आउटलाइन है वो RGB कलर में है और उसका जो कलर कोड है वो ये है। अब आप इससे समझिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स इसके बाद आप क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस, और आप करेंगे रिप्लेस ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको रिप्लेस का कलर करना है और आपको यहाँ ध्यान रखना है आपको फिल नहीं आउटलाइन पे चेक लगाना है। आउटलाइन करने के बाद आपको यहाँ कलर फाइंड करना है, मुझे कलर फाइंड करना है मोर, और जैसे मैंने आपको बताया उसका जो कलर है वो कलर मोड है RGB। यहाँ आपको सिंपली हैश और 6 × 0, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये अपने आप ही उसको रिकोगनाइज कर लेगा, समझ लेगा उस कलर को। और इसकी जगह आपको कौन सा कलर रखना है रिप्लेस में, आपको रेड करना है और ओके, ठीक है, फिनिश, और आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप जो पहले जो लाइंस थी, जो ब्लैक कलर की जो लाइंस थी, उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। ठीक है, अगर वो लार्ज प्रिंटिंग होती तो वो छोटी सी बारीक सी जो लाइन थी वो भी दिखती, तो जो हम अपना काम कर रहे हैं वो हमें परफेक्टली करना चाहिए। तो फ्रेंड ये बहुत ही ईजी तरीका है, इसको मुझे सिर्फ आपको समझाने में जो टाइम लगा है सिर्फ वही है। जब आप इसको एक दो बार प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ईजी है और बहुत ही प्रोफेशनली है, आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, किसी भी तरीके कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।